कश्मीर न्यूज सर्विस। देखिए पहले ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 35A है क्या और इसकी जेनेसिस क्या है। 35A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये डिफाइन करता है कि परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे इस स्टेट के, और स्टेट लेजिस्लेचर जो JNK का है उसको हक देता है कि वो इसको डिस्क्राइब करे। आर्टिकल 35A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के द्वारा आर्टिकल 370 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। इसकी जेनेसिस कहाँ से? इसकी जेनेसिस हुई 1927 में, जब उस वक्त के महाराजा ने हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए, इस चीज़ को लेकर कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स को लेकर, वो यहाँ पे सेटल होना चाहते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गेन करना चाहते थे, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और यहाँ के जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको ये हुकूक देने के लिए उन्होंने ये लॉ लाया। बाद में 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ उसने इस चीज़ को बहुत रिकॉग्नाइज किया है और इसको वेल एस्टैब्लिश किया है। हमारा मौक़िफ बिल्कुल वाकिफ है और ज़ाहिर है कि जो आर्टिकल 35 और 370 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, ये गवर्नेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उस वक्त के महाराजा के बीच में, कि इसको हम हर हमेशा बरकरार रखेंगे। ये एक प्रॉमिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पीपल ऑफ जे एंड के, तो इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको सेफगार्ड करना है और इसको स्ट्रेंथन करना है।